छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वे जीत कर ही आएंगे। पार्टी ने एक एक सीट पर मंथन कर गहराई से विचार करने के बाद ही सूची जारी किया है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। आज नवरात्र का पहला दिन है और शुभ दिन में सही समय में हम लोग पहला सूची जारी हुआ। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो जीत कर आएंगे। देखिए तो पार्टी का निर्णय है। एक एक सीट पे पार्टी ने मंथन किया, एक एक सीट पे पार्टी ने गहराई से विचार करने के बाद आज सूची घोषित हुआ है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया सोच समझ कर लिया है तो पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य। देखिए बस्तर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सूचियों की बात करें, जो प्रत्याशी हारे हुए हैं जनता ने नकार दिया उनको टिकट दिया और हमारे पास कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, दोनों का मिक्सिंग है। इसलिए हमारा पहला चरण का सूची 20 जो पहला चरण का सूची के साथ बाकी नाम भी आया है और 20 जो सीटों पर चुनाव होना है, बेहतर टिकट वितरण हुआ है। 20 का 20 सीट हम लोग जीत के आएंगे। पार्टी ने आदेश किया चुनाव लड़ने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में नामांकन भरेंगे, फिर कार्यकर्ता और जनता ही चित्रकूट विधानसभा में काम करेगी। चित्रकूट विधानसभा की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ हमारा पारिवारिक और बहुत गहरा संबंध है। अगर मैं वहां प्रचार ना भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में इस समय ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। इसके अलावा हमको बाकी विधानसभाओं में प्रचार में भी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा। 20 का 20 सीट में प्रचार करेंगे और पूरे 90 सीटों में प्रचार करेंगे। राजनांदगांव भी हाई प्रोफाइल सीट है। अगर पार्टी ने निर्णय हुआ है तो सोच समझ के निर्णय हुआ है। पार्टी का जो निर्णय वो सबके लिए सर्वोपरि। देखिए हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो 90 सीट में कहीं भी चुनाव लड़ लें वो जीत जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तो समझता हूँ उनके सामने सेंट्रल नेतृत्व भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वहाँ पे भी ऐतिहासिक लीडरों के साथ चुनाव जीतेंगे। आने वाला सूची में महिलाओं को प्राथमिकता अभी सूची में भी है, आने वाला सूची में भी मिलेगा। जो हाँ जो सीट से जीत सकता है उनको लाभ मिलेगा।